पटियाली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक नादरा सुल्तान अपने निजी वाहन से सुरक्षा कर्मियों के साथ दिल्ली के लिए जा रही थी। इसी दौरान सोरो थाना क्षेत्र की गोरहा नदी के समीप एक ट्रक ने पीछे से विधायक की स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन विधायक और उनके सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गए। विधायक के सुरक्षाकर्मी इस बीच कुछ समय पाते इससे पहले ही ट्रक चालक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। मामले को लेकर नादिरा सुल्तान ने सोरो थाने में अपनी तहरीर दी है। माननीय विधायक पटियाली नादिरा सुल्तान जी दिल्ली अपने किसी कार्यक्रम में जा रही थी, तभी रास्ते में कासगंज जब जा रही थी तो गोरा नहर पुल के पास एक ट्रक था। उस ट्रक ने विधायक जी की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी और उसमें माननीय विधायक पटियाली बैठी थी और उनके सुरक्षाकर्मी और चालक भी साथ जा रहे थे, तो वो बाल बाल इस घटना से गाड़ी बच गए और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक को क्या पकड़ लिया गया है? कहाँ है ट्रक? ट्रक गाड़ी आगे ट्रक साइड लगाने के उसने कहा, आगे सुरक्षाकर्मियों ने जब ट्रक को रोका तो ट्रक साइड लगाने के बहाने ट्रक एकदम अपनी चालाकी से ट्रक लेकर फरार हो गया, जबकि ट्रक का जो नंबर है वो सुरक्षाकर्मियों ने पढ़ लिया। इस संबंध में क्या कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ, इस संबंध में थाना सोरों में एक ट्रक विधायक जी के चालक की तरफ से एक तहरीर थाने में दी गई है, जिससे कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि क्या पता कौन सी घटना हो जाती। ये तो चलो ईश्वर की कृपा रही, जो माननीय विधायक और उनके सभी सुरक्षाकर्मी बच गए।